हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया। राष्ट्रपति ने हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हिमाचल समेत 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल बनाया गया। बंडारू दत्तात्रेय की हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया। बंडारू हरियाणा के 18वें राज्यपाल बनाए गए। पहले बंडारू हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए। बीजेपी के सीनियर नेता बंडारू दत्तात्रेय को उनके गृह क्षेत्र में पीपल्स लीडर कहा जाता था। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में 12 जून 1947 को बंडारू का जन्म हुआ था। देश में कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ गई है। करीब 4 महीने बाद पहली बार देश में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में देश में 34,703 नए मामले आए सामने। नए मरीजों के साथ कोरोना की चपेट में आए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 3 से ज्यादा हो चुकी है। देश में कोरोना से एक दिन में 553 मरीजों की हुई मौत, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 4,64,357 हो गई है और ये कुल संक्रमण का 1.52% है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर 1.32% है। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में कोविड-19 रोधी टीके की कुल 35.75 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर पड़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 54 नए केस आए सामने। पलवल में 10, गुरुग्राम में 4, हिसार में 5 और यमुनानगर में 6 नए कोरोना मरीज मिले। इसी के तरह करनाल, भिवानी में भी 4-4 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 117 मरीज ठीक हुए। हालांकि कोरोना की वजह से 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रदेश में कोरोना के अब तक 7,68,957 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि इलाज के बाद 7,58,348 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद कोरोना रिकवरी रेट 98.62% पहुंच चुका है। दिल्ली में आज फिर कांग्रेस विधायकों की बैठक हो रही है। बैठक के लिए प्रदेश कांग्रेस के विधायक केसी वेणुगोपाल से संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले सोमवार को भी हरियाणा कांग्रेस के विधायकों ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। इस दौरान हरियाणा में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। ओपी चौटाला ने चुनाव आयोग में चुनाव लड़ने की अनुमति देने को लेकर दायर की याचिका। 6 साल तक चुनाव न लड़ने की अवधि कम करने की मांग। 6 बिट्टी घोटाले मामले में सजा पूरी कर चुके हैं ओपी चौटाला। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई के बाद अभिनेलो ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर संगठन मजबूती पर लगी हुई है। इसी क्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने सोनीपत जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। नफे सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो डरे हुए हैं और उनका डर ये सता रहा है कि कहीं मानेसर भूमि घोटाले और कई तरह के घोटाले जो उनके माध्यम से हुए हैं वे उजागर ना हो जाएं। यमुनानगर पहुंचे कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। सैनी ने कहा कि आज हरियाणा कांग्रेस की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के पास अपना झंडा भी नहीं है। वहीं हुड्डा और शैलजा के बीच चल रही तनतनी पर भी सैनी ने चुटकी ली है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस
शुरू से ही दलित विरोधी रही है। पहले अशोक तंवर को अपमानित कर पार्टी से निकाला, अब कुमारी शैलजा की तरफ इशारा है। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि कृषि मंत्री आधी रात को भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। बता दें कि सांसद नायब सैनी जिले में रोड सेफ्टी की मीटिंग लेने पहुंचे थे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में किसान आज सिरसा में धिक्कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। धिक्कार रैली में पहुंचे किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर है। किसानों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क दिखाई दे रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे किसानों ने अब संसद घेरने की तैयारी कर ली है। किसानों ने तय किया है कि वो संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली कूच करेंगे। टीकरी बॉर्डर पर किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाले ने बताया कि 22 जुलाई से रोजाना 200 किसानों का जत्था संसद घेराव के लिए रवाना होगा। इसमें सभी किसान संगठनों से 5-5 किसान रोजाना दिल्ली जाएंगे। वहीं इससे पहले 17 जुलाई को किसान विपक्षी दलों को चेतावनी देकर कृषि कानूनों का मुद्दा संसद में उठाने की मांग करेंगे। वहीं देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई के मुद्दे पर भी किसानों ने 8 जुलाई को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किसान महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। पंचकुला में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में किसान मंडल ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी के साथ बैठक की। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जानकारी देते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया, खेत में बिजली के टावर लगाए जाने पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर एमडी से चर्चा की गई, जिसमें एमडी ने कहा कि उन्होंने सरकार को फाइल भेजी है जिसका इंतजार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि गर्मी के चलते 1 घंटा ज्यादा बिजली देने की मांग भी की है। प्रदेश में बिजली संकट पर बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास का बयान सामने आया है। पीके दास ने कहा कि हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है। पीके दास ने कहा कि जो पावर कट लग रहे हैं या बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है, वो सिर्फ मेंटेनेंस के कार्यों की वजह से हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के पास जरूरत के मुताबिक बिजली उपलब्ध है और 2 दिन पहले ही हरियाणा में अब तक की सबसे ज्यादा 2,500 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई है। बल्लभगढ़ के हरिविहार स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में सोमवार को वैक्सीन ना होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल सुबह 10 बजे वैक्सीनेशन के लिए डिस्पेंसरी में भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन वैक्सीन का शेड्यूल ना होने के चलते यहां वैक्सीन नहीं आई, जिसके चलते लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। लोगों का कहना है कि वो अपने जरूरी काम छोड़कर वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दे रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू के सिवानी में झींगा मछली परीक्षण कैंप में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया और झींगा मछली फार्म हाउस और विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों की समस्याओं को सुना। कृषि मंत्री ने कहा कि हल्के के गरवा गांव में प्रदेश का सबसे बड़ा झींगा मछली एक्सीलेंस सेंटर बनेगा, जिसकी लागत करीब 25 करोड़ रुपए है। मंत्री ने कहा कि मछली पालन में रोजगार की कई संभावनाएं हैं। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। जेपी दलाल ने बताया कि प्रदेश में गैर कृषि क्षेत्र भूमि पर मत्स्य पालन से जुड़ी परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बॉर्डर पर किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले बैठे हैं।
पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सोमवार को एजीएल प्लॉट आवंटन मामले में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की गई। सोमवार रात दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। भूकंप का केंद्र झज्जर में था। भूकंप के झटके की वजह से लोग भयभीत दिखे। इस दौरान लोग बिल्डिंग से बाहर आते दिखाई दिए। झज्जर के अलावा रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके के बाद यहां भी लोग अपने घरों से बाहर निकले। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि संतुलन खोने के बाद ट्रक पलट गया और आग लग गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग को बुझाने का काम किया। गनीमत रही कि वक्त रहते ट्रक के चालक ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल हो रहा। देश में कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच हालात सामान्य हो रहे हैं। इसी के तहत रेवाड़ी से ट्रेनों का संचालन को बढ़ा दिया गया। आज से अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ सहित 8 एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेनें ट्रैक पर उतारने का फैसला लिया गया। इनके अलावा हिसार जयपुर रेवाड़ी फ्लोरा और जोधपुर रेवाड़ी पैसेंजर सहित तमाम ट्रेनों का भी संचालन शुरू कर दिया गया। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही ज्यादा रेलवे रूटों पर फिर से ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। ट्रैक्टर चालक से पैसे मांगने के आरोप लगे, जिसे लेकर ट्रैक्टर चालकों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। मामला संज्ञान में आते ही डीसी आदित्य दहिया ने इसकी जांच के लिए टीम गठित की और दोषी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। ट्रैक्टर चालकों का कहना है, खनन विभाग के अधिकारी ने पहले पैसों की मांग की और अपने रिश्तेदार के घर मुफ्त में मिट्टी डालने के लिए दबाव बनाया। ट्रैक्टर चालकों ने अधिकारी का एक ऑडियो भी जारी किया, जिसको लेकर ट्रैक्टर चालक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ट्रैक्टर चालकों का यह भी आरोप है कि खनन विभाग में बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं होता। हाल के गर्मी सीजन के दौरान हरियाणा में अब तक सबसे ज्यादा बिजली खपत और लोड का रिकॉर्ड टूटा है, जिसके चलते हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ऊर्जा खपत और पीक लोड को कम करने के लिए सुपर एनर्जी एफिशिएंट स्प्लिट इन्वर्टर एसी योजना शुरू की है, जिसके तहत उपभोक्ता 1.5 टन का ऊर्जा बचत वाला नया एसी लगवाकर या पुराने एसी को बदलकर अपनी बिजली बिल को कम कर सकते हैं, जिसके लिए बिजली विभाग उपभोक्ता को सब्सिडी देगा। इस योजना के लिए बिजली विभाग की ओर से डेक्कन ब्लू स्टार वोल्टेज के साथ करार किया गया। उपभोक्ता भी सरकार की इस योजना की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इससे हमारे पैसों की काफी बचत होगी। सोनीपत के राजकीय उच्च विद्यालय गांव जहारी में के कला अध्यापक नरेश आकाश को अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। सरकारी स्कूल में बतौर टीचर रहते हुए उनको वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड से नवाजा गया। झज्जर के गांव ढाकला में मेरा पानी मेरी विरासत योजना का असर दिख रहा है। दरअसल घटते भूजल स्तर को देखते हुए ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि गांव में धान की फसल की रोपाई इस बार नहीं की जाएगी। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि एक किसान है जो अभी भी धान की रोपाई करने की जिद पर अड़ा हुआ है। अब जब ग्रामीण उसे समझाने के लिए उसके खेत में गए तो किसानों ने ग्रामीणों पर ही ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। इधर बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के समक्ष सोमवार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय में परीक्षाएं डेटशीट जारी होने के एक महीने बाद ली जाए, ताकि विद्यार्थियों को तैयारी करने का मौका मिल सके। इसी के साथ परीक्षाओं में अटेम्प्ट एनी 5 का ऑप्शन और ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं लेने की मांग की। आपको बता दें कि अपनी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी छात्र पहले भी विश्वविद्यालय के कुलपति को मांग पत्र सौंप चुके हैं।
कैथल में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आरएसएस की शाखा भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे खेती करना महंगा होता जा रहा है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। भारतीय किसान संघ ने किसानों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। भारतीय किसान संघ के नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और किसान अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में शहीद स्मारक के बाहर इनेलो के युवा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। ये धरना शहीद स्मारक के अधूरे निर्माण के बावजूद उद्घाटन करने के खिलाफ था। इनेलो नेता कपूर सिंह राठी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने दिया धरना और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इनेलो के युवा कार्यकर्ताओं ने अधूरे पड़े काम को पूरा करने के लिए सरकार को 26 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया। साथ ही स्मारक पर शहीदों के नाम पता जल्द से जल्द अंकित कराने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर शहीद स्मारक के बाहर युवा इनेलो ने प्रदर्शन की चेतावनी दी। अंबाला के गांव खतोली में दूध की डेयरियों का संचालक ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल नगर निगम की ओर से दूध की डेयरियों के गांव खतोली में शिफ्ट किया गया था, जहां डेयरी संचालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान डेयरी संचालकों ने कहा कि शहर की स्वच्छता के नाम पर डेयरी के खतोली शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वहां पर ना तो कोई सुविधाएं हैं और ना ही सुरक्षा। शिकायतें करने पर भी नगर निगम के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते। गोहाना के मोड़ चौक पर स्कूटी सवारों की पुलिस के साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। दरअसल तीन युवकों ने नशे में स्कूटी चला रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो युवकों ने पुलिस वालों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो मौके से फरार हो गए। पुलिस ने स्कूटी को इंपाउंड कर 28,000 रुपए का चालान कर दिया। गोहाना के शामड़ी गांव के रहने वाले युवक भूपेंद्र का ऑस्ट्रेलिया में 4 साल का वीजा लगवाने और स्थायी नागरिकता दिलवाने के नाम पर 67 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। मुडलाना थाना पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिरसा में फर्जी तरीके से दिव्यांग पेंशन बनाने का धंधा पिछले 6 महीने से चल रहा था। हैरानी की बात यह है कि इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर समाज कल्याण विभाग भी आंख मूंदकर पेंशन बनाने का काम कर रहा था। खुलासा होने पर अब तक 5 ऐसे केस सामने आए हैं जो फर्जी तरीके से अपात्र होते हुए भी दिव्यांगों के खाते से पेंशन ले रहे थे। जब मामला सीएम फ्लाइंग तक पहुंचा तो विभाग की आंखें खुली। विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने अपने अपने स्तर पर विकलांग पेंशन के साथ लगे प्रमाण पत्रों की जांच की। नागरिक अस्पताल के सीएमओ ने बताया कि ये सारे पत्र फर्जी हैं। रविवार को लापता हुए यमुनानगर के औरंगाबादी निवासी अजय का शव पश्चिमी यमुना नहर से मिला। रात भर की तलाशी के बाद युवक का शव बरामद हुआ। वहीं युवक के परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप लगाया कि अजय के साथ उसके 4 दोस्त भी गए थे और उनकी वजह से ही उसकी मौत हुई है। हंगामा बढ़ता देख डीएसपी हेडक्वार्टर मौके पर पहुंचे और परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करवाया और परिजनों के बयान पर धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। यमुनानगर के पुराना हमीदा में कुछ बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। कुछ बदमाश युवकों ने यहां गली में खड़ी कार में तोड़फोड़ की और लोगों के घरों में ईंट पत्थर फेंके। युवकों की यह सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं तोड़फोड़ के बाद युवक फरार हो गए। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि 3 युवक हाथ में डंडा लेकर पैदल आते दिख रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों भाग जाते हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। गुलाचीका में बीजेपी नेताओं पर हमले के मामले में 3 दर्जन अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। बीजेपी के पूर्व हलका नेता ने दी शिकायत। विपक्षी पार्टियों और शरारती तत्वों पर लगाया आरोप। इधर फतेहाबाद में विजिलेंस टीम ने भट्टाकाला थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को 4,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
आरोपी सब इंस्पेक्टर जीताराम ने मंदोरी निवासी सहदेव नामक व्यक्ति से उसकी गाड़ी छुड़वाने की एवज में 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इससे पहले आरोपी एएसआई पीड़ित से 3,000 रुपए ले चुका है। सोमवार को बचे हुए 4,000 रुपए लेने के दौरान विजिलेंस टीम ने सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। सीआईए तीन ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर 5 करोड़ कमाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर 48 लाख रुपए बरामद किए हैं। एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि मोहम्मद शहवार ने हैदराबाद स्थित रेमडेसिविर बनाने वाली मूल कंपनी हेट्रोजेट को 30,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके बाद उसने फर्जीवाड़े का प्लान बनाया। उसने पंचकुला स्थित सनवेट फार्मा कंपनी को बुखार में दी जाने वाली एंटीबायोटिक पिप्रोटेंजो की 30,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया जिसमें से 12,000 इंजेक्शन मिले। ये इंजेक्शन मिलने के बाद इनके स्टिकर निकालकर हेट्रोजेट कंपनी का स्टिकर लगाए और रैपर छपवाए और इंजेक्शन पर चिपकाकर रेमडेसिविर का नाम पर बेचे। किसान का धान का सीजन चला हुआ है। इस सीजन के दौरान किसानों के साथ दुर्घटनाओं की कई खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला करनाल के मलिकपुर गांव से सामने आया है, जहां 30 वर्षीय किसान के खेत में करंट लगने से मौत हो गई। सिरसा के बेगू गांव में रविवार को निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिर गई। इस दौरान मलबे के नीचे एक मजदूर दब गया, जिसे ग्रामीणों ने मलबा हटाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मजदूर के रास्ते में मौत हो गई। सूचना मिलने के 2 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर निर्माणाधीन मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही से लेंटर के लिए लगाई गई शटरिंग गिर गई। हादसे के बाद से मकान मालिक और ठेकेदार दोनों गायब हैं। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। रोहतक के गांव खरेंटी में रविवार रात बदमाशों ने गांव के पूर्व सरपंच पर फायरिंग कर दी।